अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल मुर्शिद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यानी कि खुश कर देने वाली अपडेट आप दोस्तों के लिए लाया हूं और साथ में पाकसेट 38° सैटेलाइट की भी एक लेटेस्ट अपडेट आप दोस्तों के लिए लाया हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है क्या आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में जो सबसे पहले शॉकिंग और खुशी से निहाल कर देने वाली अपडेट है वो ARY नेटवर्क के हवाले से है और जबकि दूसरी पाकसेट की आज मौजूदा सूरत हाल और आने वाले कितने दिनों तक ये मामला रहेगा तो वो सारी डिटेल आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देख लें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल जो है वो मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब पाकसेट 38° सैटेलाइट की। तो दोस्तों सबसे पहले इसके सिग्नल्स की बात कर ली जाए, जियो पैकेज जो है वो इस वक्त 32 सिग्नल पर मौजूद है जबकि स्पोर्ट जो है वो 35 सिग्नल पर मौजूद है, जबकि दुनिया न्यूज़ जो है वो 38 सिग्नल पर मौजूद है, प्राइवेट चैनल्स वाली फ्रिक्वेंसी वो 35 सिग्नल पर मौजूद है, इसके अलावा मदनी चैनल जो है वो 42 सिग्नल पर मौजूद है, 92 न्यूज़ जो है अभी वो भी इस कदर ज़्यादा हैवी नहीं ज़्यादा 37 सिग्नल पर मौजूद है और इसके अलावा जो हम पैकेज है वो इस वक्त 32 सिग्नल पर मौजूद है। दोस्तों याद रहे मैंने जो सिग्नल है तो सिग्नल की आपको रूटीन बताई वो 5 फीट पर जो है 5 फीट डिश पर जो है हमने इंस्टॉल करके आपके लिए ये जो है वो सिचुएशन निकाली है। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आने वाले कुछ दिनों तक मज़ीद आपको इसी तरह और बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेट वाली सेटेलाइट है आपको पता है हमारी दूसरी सेटेलाइट जो है इस वक्त स्टैंड बाई मोड पर है और जैसे ही ये सूरज की जो से जो मैग्नेटेड फील्ड का एक तूफान सा आया है हमारी ज़मीन की तरफ तो जैसे ही इसके असरात ज़ायल होते हैं तो हमारी जो सेटेलाइट है वो इस वक्त वो जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देगी। तो अब आ जाते हैं कि ARY नेटवर्क के हवाले से बहुत सारे दोस्तों की पुरजोर फरमाइश थी के जी हमें बताया जाए कि ARY नेटवर्क जो है वो अब हमें मुस्तकिल तौर पर कहाँ देखने को मिलेगा और जाहिर सी बात है अगर ये F-star 36° पर सेटेलाइट पर जाता है तो इसके लिए दोस्तों को 6 फीट डिश जो है वो दरकार होगी। तो दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ARY नेटवर्क जो इस वक्त F-star 36° पर सेटेलाइट पर चल रहा है वो बिल्कुल टेम्परेरी है और ये आपको इशू सेट 105° सेटेलाइट पर ही देखने को मिलेगा। और याद रहे दोस्तों पाकसेट MM1 की शिफ्टिंग जो है वो स्टार्ट होगी तो ARY नेटवर्क भी आपको पाकसेट पर ही देखने को मिलेगा लेकिन ये अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं है कि कौन सी डेट से स्टार्ट होगा लेकिन आपको बताता चलूँ कि इशू सेट 105° सेटेलाइट भी जो है वो एक्सपायर होने जा रही है और इसी साल के आखिर तक जो है वो इस सेटेलाइट को भी जो है वो आज़ाद कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी अपडेट्स जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।